आज हम संविदा वर्ग 3 एमपी टेट का इन्वायरमेंट स्टडी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारे परिवार और हमारे मित्र में जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, हमारे पशु और पक्षी। चूंकि यह प्राथमिक कक्षा पात्रता परीक्षा की है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हमारे सेकंड स्टैंडर्ड में और फर्स्ट स्टैंडर्ड में इन्वायरमेंट स्टडी नहीं है, किंतु थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड में इन्वायरमेंट स्टडी है। तो इस एनसीईआरटी बुक को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस बुक में जो कुछ भी बात लिखी हुई है पशु और पक्षियों के बारे में, वह बहुत ही सरल भाषा में और सहज लिखी हुई है। यदि मैं आपको पढ़ के सुना भी देती हूँ, तब आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं। यह ऊंट गाड़ी है। चूंकि इसमें पशु और पक्षी के बारे में टॉपिक है, तो जितने भी पशु और पक्षी से रिलेटेड थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ स्टैंडर्ड में जो कुछ भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, वो सारा मैं पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पे पढ़ेंगे। चूंकि एक ये कट फॉर्म है, मैंने इसका पीडीएफ बना के रखा हुआ है, जो इसमें अलग अलग चैप्टरों से लेके रखी हूँ। ये ऊंट गाड़ी है जो राजस्थान के लिए फेमस है। ये यहाँ पर दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आता है। इन दिनों में रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। चूंकि स्कूल जाने का एक बच्चों ने दिखाया गया है, इसका मतलब यह है कि यह जो ऊंट गाड़ी है वह परिवहन का साधन बन रही है। किस राज्य में? राजस्थान में। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरी है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में जो बैल है, जो परिवहन का काम कर रही है, जिसमें कुछ बच्चे बैठ कर के स्कूल जा रहे हैं, तो यह कहाँ पाया जाता है? तो ये मैदानी इलाका के गांव में बैलगाड़ी का परिवहन के रूप में स्कूल जाने के लिए बच्चे प्रयोग करते हैं। यहाँ जानवरों के बारे में बताया गया है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर यदि बाल हैं, तो वो जानवर बच्चे देते हैं। लेकिन जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो जानवर अंडे देते हैं। हाथी के बारे में जानते हैं। ये चित्र में दिखाया गया है, देख लीजिए। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, इसका मतलब ये है कि वह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, वो इसलिए क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, जो गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। वह कान के माध्यम से हवा लेता है और कीचड़ पानी इसलिए पसंद है क्योंकि उसे ठंडक मिलती है शरीर में। आगे और बताया गया है कि हाथी के बारे में, हाथियों के झुंड में केवल हथनिया और बच्चे ही रहते हैं। याद रखिए कि झुंड में केवल हथनिया और उनके बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनिया होती हैं, ठीक है, और साथ में बच्चे भी होते हैं। जब हाथी 14 या 15 साल तक के ही झुंड में होते हैं, जो बच्चे होते हैं यदि 14 या 15 साल तक के रहते हैं, तब तक वो झुंड में रहते हैं। यदि 14-15 साल हो गए तो अपना झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। यहाँ कुछ एनसीईआरटी में इन जानवरों के बारे में बताया गया है, इसको पढ़ना जरूरी है। यह सर्प है जो अपने बारे में बता रहा है। यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूं। बस पिटारी है और बस सपेरा। यह सर्प अपने स्नेक अपने बारे में बता रहा है कि मैं पिटारी
में ही इसका घर बस गया है। जंगल में जो भी जानवर इनसे मिलना और खुली हवा लेना ये भूल चुका है। जो सपेरा आते हैं वो जो दिखाते हैं तो इसे पैक कर लेते हैं, तो ये उन्हीं के बारे में बताया गया है। यह भालू है, यह बता रहा है, यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूं। नाचो कूदो, आग के गोले में से निकलो और भी ना जाने क्या क्या ना करो, तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। ये भालू बता रहा है अपने बारे में कि मैं सर्कस में रहता हूँ तो नाचता हूँ कूदता हूँ और आग के सामने गोले में निकलता हूँ, यदि ये नहीं करता हूँ तो मुझे भूखे रहना पड़ता है और साथ में पिटाई भी पड़ती है। आगे इस घोड़े के बारे में बताया गया है कि तुमने मेरी दौड़ ही देखी है, मेरे पैरों के नीचे जब लोहे के नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। घोड़े अपने बारे में बता रहा है कि आप सिर्फ मेरे दौड़ को ही देख के वाहवारी करते हैं, पर असली मायने में देखा जाए तो लोहे के नाल ठोका जाता है जिससे मुझे बहुत दर्द होता है। ये बंदर है जो अपने बारे में बता रहे हैं, नाचते नाचते हमारा तो कमर ही टूट गई, मन ना हो तो फिर भी नाचो वह भी खाली पेट। यह कुछ लोग बंदर लेके आते हैं और वह नाच दिखाते हैं और अपना आर्थिक उससे अपना परिवार पेट पालन का काम करते हैं। तो ये बंदर अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं नाचते नाचते कमर टूट जाती है, म्याऊं म्याऊं लोगों के लिए कुछ भी काम ना करती फिर भी मुझे बहुत प्यार करते, दूध पिलाते और सहलाते भी, मैं अपनी मर्जी से सब जगह जाती हूँ। ये बिल्ली अपने बारे में बता रही है, गुटुरगू गुटुरगू जानते हो लोग मुझसे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। यह कबूतर अपने बारे में बता रहे हैं। यहाँ हमें कुछ चूचू करती आई चिड़िया, ये फोर्थ क्लास की एनवायरमेंट स्टडी में 16 चैप्टर में लिखा हुआ है जिसमें गोपाल भाई चिट्ठी के माध्यम से इसमें बताई गई है। तो यहाँ पक्षियों के घोंसला और किन चीजों से घोंसला बनाती है इनके बारे में बताया गया, चलो इसको जानते हैं। ये कलचिड़ी का चित्र है। यह कलचिड़ी को इंडियन रोबिन भी कहा जाता है। यह अपने घोंसला बनाने के लिए घास का उपयोग करती है और नाजुक टहनी जड़े ऊन बाल रुई सब बिछा है। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि ये घोंसले में किस चीज का प्रयोग करती हैं। यह कौवा है, यह कौवा एक ऐसा पक्षी है जो अपने घोंसला में तार भी प्रयोग करता है और लकड़ी की शाखाएं भी। यह जो दिखाई दे रहा है यह कोयल है जिसकी आवाज बहुत मधुर और मीठी होती है। यह अपनी घोंसला नहीं बनाती किंतु यह घोंसला अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है और कौवा इसे अपना अंडा समझ के से देता है। ये बसंत गौरी है, बसंत गौरी यह जो चित्र में दिखाया गया है, कौवा जो है वह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपनी घोंसला बनाता है, जबकि जो फाख्ता है पक्षी वह कैक्टस जो काटे होते हैं उसके बीचों बीच में बनाता है और मेहंदी के मेड़ में। और गौरैया जो पक्षी है वह आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है, वह घोंसला बना लेती है कहीं भी, अलमारी के ऊपर भी आप देखे होंगे गौरैया हमेशा अलमारी के पीछे आईने के पीछे कहीं भी घोंसला बना लेती है। कौवा अपनी डाल की ऊंचाई पर और फाख्ता कैक्टस के कांटों पर और मेहंदी के पेड़ पे, ये याद रखिएगा। कबूतर भी ऐसे हैं जो खंडरों में अपनी घोंसला बनाती है और बसंत गौरी जो गर्मियों के समय टुक टुक करती हैं वह तने के पेड़ में गहरा छेद करके अंडे देती हैं, अंडे रखती हैं। दर्जी चिड़िया नाम जैसा है, देखिए ये चोंच इसकी भी इतनी पतली होती है कि पत्तियों में अपनी यह दर्जी के समान चोंच से ही क्या करती है कि नुकीली चोंच से पत्ते को सिल लेती हैं और ये घोंसला बनाती हैं और अपनी अंडा वहीं देती हैं। शक्कर खोरा, ये देखिए जो शक्कर खोरा का ये पक्षी है जो घोंसला दिखाई दे रहा है, इसमें टहनियां सूखे पत्ते रुई के पेड़ और टुकड़े के चीथड़े वगैरह रहते हैं और मकड़ी के जाल भी। सबसे अच्छी पक्षी जो वीवर पक्षी जिसमें है जो बड़ी सफाई से और मेहनत करके बहुत सारे घोंसला बनाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि तुम
वीवर पक्षी के बारे में क्या जानते? देखो, सभी जो नर वीवर पक्षी होते हैं वह अपने अपने घोंसला बनाते हैं। जो नर वीवर पक्षी हैं बहुत सारे घोंसला बनाते हैं, जो मादा वीवर पक्षी होती है इन सारे घोंसले को चेक करती है, उनमें जो सबसे बेस्ट लगता है वह उसमें अंडे देने का काम करती है। हम पक्षियों के बारे में जानते हैं कि इसके दुश्मन कौन कौन से, मनुष्य और जानवर। देखो, कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेती हैं और कई बार तो घोंसला भी नष्ट कर देती हैं। इन सब के बचकर वो खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडा देना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी इन सब को भुलाकर वह पंख फैलाकर उड़ती हैं। आपको पता होना चाहिए कि पक्षी सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाती हैं और अंडे से बच्चे निकल जाते हैं और घोंसला छोड़कर वह उड़ जाते हैं। वह उड़कर पक्षी अलग अलग जगह पर चले जाते हैं, या फिर पेड़ पर, या जमीन पर, या पानी पे। यहाँ एक कुत्ता है जिसके बारे में बताया गया है कि सड़कों पर कुत्ते की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके से बाहर का कुत्ता आया हुआ है। आगे हम जानते हैं कि ज्यादातर पक्षियों की जो आंखें, उनके जो होती हैं, वह सिर के दोनों तरफ होती हैं। वह इसलिए ताकि वह ज्यादा एरिया कवर करके देख सकें। और कुछ पक्षियों के आंखों में गर्दन हिलाते हुए आपने देखा होगा, वह इसलिए क्योंकि उनकी जो पुतलियां हैं वह घूमती नहीं है, इसलिए वह गर्दन घुमा करके अपना एरिया देखती हैं। आप पोज करके वीडियो को भी रोक करके देख पढ़ सकते हैं आसानी से। चील, बाज और गिद्ध की एक ऐसी पक्षी है जो हमसे चार गुना ज्यादा देखती है। ये याद रखिए, चील, बाज, गिद्ध जो हमसे चार गुना ज्यादा देखती है। यदि हम 2 मीटर देख पाते हैं तो ये हमसे 8 मीटर ज्यादा देख पाती है। कुछ जानवर होते हैं, यदि वो दिन में जागते हैं तो वे कई रंगों को देख पाते हैं, पर कुछ जानवर है जो रात को जागते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रात में जागने वाले जानवर सफेद और काले ही रंग को देख पाते हैं। जानवर यदि दिन में जागे हुए हैं तो कई रंग देख पाते हैं, लेकिन जो जानवर रात को देखते हैं उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ सफेद और काले रंग, दो रंग के ही चीज दिखाई पड़ती है। आवाजें का बहुत बड़ा योगदान है। जंगल में जो लंगूर है वह जब मुसीबत आती है, लंगूर के लिए मुसीबत शेर, चीता है, यह देखकर वह खास तरह की आवाज निकालता है अपने साथियों को संदेश देने के लिए। इस तरह की आवाज पक्षी भी निकालती हैं। पक्षियां जो हैं वह अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज निकालते हैं। यदि कोई उड़कर आने वाला दुश्मन है उसके लिए अलग आवाज, यदि जमीन से चलकर आने वाला कोई दुश्मन है उसके लिए अलग आवाज। इसी प्रकार की मछलियां हैं जो बिजली तरंगे की तरह चेतावनी देती हैं। यही एक कहानी भी है कि तूफान या भूकंप के समय अजीब हरकत करने वाले जानवरों को देखा गया, जिसके जो 2004 में दिसंबर में सुनामी आई थी, तो जानवरों का अजीब व्यवहार से हमको चेतावनी के रूप में जनजातियों को मिल गया था, जो अंडमान निकोबार की खास आदिवासी जनजाति है। वह इनकी अलग व्यवहार से जानवरों की उस आई सुनामी से बच चुके थे। स्लॉथ है जो भालू की तरह दिखता है पर भालू है नहीं। मैं इसे पढ़ती हूँ, आपको आसानी समझ में आ जाएगी। यह भालू नहीं है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोता है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए ये कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेता है, तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के लिए अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ करता है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। आई होप समझ में आ गया होगा। यह चित्र आप देख पा रहे हैं, यह बाघ का है। इन पॉइंटों को अच्छे से
फोकस कीजिएगा, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। हम अंधेरे में जितना देख पाते हैं उससे अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ की मूछें हवा में हुई जो कंपन को भी भाप लेता है, उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है, जिससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद करती। जो उनकी मूछें होती हैं वह जो कंपन हुई हवा से उसको भाप लेता है और शिकार करने में से मदद करता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देता है। इस इलाके में कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से पहचान लेता है कि यह मेरा इलाका है या नहीं। आवाज कई प्रकार के निकालते हैं बाघ। जब उसे बाघिन को बुलाना हो या गुर्राना हो तो इनकी आवाज अलग अलग होती है, और इसकी गुर्राने की आवाज 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ता है। बाघ हवा के पत्ते में हिलने वाले से आपको यह जानकर ताजुक होगा कि जो बाघ है हवा के पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने हुए पत्ते, हवा के कारण ये पत्ते हिले हैं या शिकार के कारण झाड़ियों में जो हलचल हुई है इसको ही भाप लेता है, इसे अंतर समझ में आ जाता है। दोनों और बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। जिनके कान है वह आवाज इकट्ठा करने के लिए घूम भी आसानी से घूम सकते हैं। हाथी और उनके दांत जो होते हैं, यहाँ कुछ हाथी के जो दांत होते हैं और गेंडे के सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप, उनकी जो खाल के लिए मार दिया जाता है। ये देखिए, जो हाथी के जो दांत होते हैं, गेंडों के सींग, शेर और मगरमच्छ और सांप की खाल और कस्तूरी हिरण, थोड़ी सी खुशबू के कारण इसे मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहा जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती बहुत कम होने की वजह से उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना जिले में जानवरों को शिकार करना मना है, और यहाँ पर जानवरों तथा जंगलों में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पे सरकार इनको बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान की गई है, जो लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ लिखा है, सिर पर मेरे खालिस्तान, सुंदर पंखों का नाच, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। इस मोर के बारे में बताया गया है, हमारे आकाश में सीधे आती हूँ, झपट कर चूहे को ले जाती हूँ, पूछ मेरे खींच जाते हैं। ये जो उल्लू जैसा दिख रहा है इस पक्षी के बारे में बताया गया है, हरे हरे और मेरे पंख लाल और मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च खाता हूँ और तोता, ये मिट्टू के बारे में बताया गया है, काले काले पंख है मेरे, काला रंग, काव काव करना, ये कौए के बारे में बताया गया है, कुहू कुहू आवाज करना, मधुर आवाज, ये कोयल है, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, गिद्ध में कहलाता हूँ। ये देख लीजिए, इतना बड़ा ये डायग्राम है जो ये गिद्ध का है, जो मरे हुए जानवर खा के जगह साफ करता है। जो स्लेटी रंग होती है वह कबूतर का होता है, और चोंच मेरी निराली सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाती है, दर्जी चिड़िया के बारे में बताया गया है। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता हूं, कठफोड़वा कहलाता हूं। ये पक्षी का नाम याद रखिए, कठफोड़वा, जो टुक टुक करता है और तने में छेद करके कीड़ों को खा जाता है। ये जो चोंच दिखी गई है इनका एक विशेष महत्व है। पक्षियों की चोंच जितनी अलग अलग होती है उतनी ही अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। अब भोजन में ये फल भी खाते हैं, बीज भी खाते हैं, और कीड़े मकोड़े या मछलियां भी खाती हैं। पक्षियों के उड़ने चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैं ना झटके से अपना गर्दन आगे पीछे कर लेती है, पर उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो गर्दन पीछे तक घुमा लेता है। पक्षियों के पंख जो अलग अलग रंग और डिजाइन के होते हैं, हर पक्षियों के आपने देखे होंगे अलग अलग डिजाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में, पंख का काम है उनके उड़ने में मदद करना, और साथ ही साथ शरीर को गर्माहट का काम भी करती है। और पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं,
तुमने कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंख देखे, आप मोर के पंख जरूर देखे होंगे। ये रानी का बाग है जिसमें बताया गया है कि यह महारानी को इतने सारे फल देता है। तो महारानी कहती है कि इतने स्वादिष्ट और अच्छे फल हैं इतने सारे, यदि पक्षी नहीं खाते तो मुझे इससे ज्यादा आम मिलते, किंतु अगले बार यह व्यक्ति पक्षियों को नहीं आने देता है जिसकी वजह से इन सारे फलों में कीड़े लगने की वजह से खराब हो जाते हैं। तो अंत में यही इसका मतलब है कि यदि पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते जितने पहले से, बाद में यह फल बहुत कम मिलता है। तो इसमें यही कहा गया कि पक्षी जो होते हैं वह कीड़ों को खा लेते हैं जिसके वजह से इतने फल खराब नहीं होते। यदि पक्षी रहते हैं तो उन कीड़ों को खा लेते और पक्षी तो फल भी खा लेते जिसके, और पक्षी ना आने के कारण इन सारे देख सकते हैं ये फलों में कीड़े लग गए जिससे बर्बाद हो गए। इसका मतलब यही है कि हमारे जीवन में पक्षी जानवर सबका बहुत बड़ा योगदान है।